हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सेम का अचार। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। हमने सेम को ले लिया है इस तरीके से, और इसे गंवार फली भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेज में, और इसे हम पानी डाल करके अच्छे से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं, आपको धीमे फ्लेम में इसे रख देना है उबलने के लिए अच्छे से, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और आपको बीच बीच में इसे निकाल करके चेक भी करते रहना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बीच बीच में हल्का सा चला भी देना है और इसे चेक करते रहना है कि पक गया या नहीं। तो अभी ये नहीं पका है, फिर इसे हम ढक देंगे और ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं, फिर इसे हम खोल करके देख लेंगे तो अब ये पक चुका है, क्योंकि इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। पहले ग्रीन था, अब इसका मतलब हल्का मतलब कि ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा अच्छे से पक चुका है, फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये तब तक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा लहसुन, मिर्च और हल्दी और सरसों, ये सब हम लेकर के मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। और फिर उसके बाद हम ये हमारा ठंडा हो गया है, फिर इस मसाले को हम इसमें मिला देंगे। और ये सेम का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप दाल चावल या किसी भी कोई भी खाना मतलब आप खा रहे हैं तो इसे लेकर आप खा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और सरसों का तेल इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है, थोड़ा सा डालना, इससे टेस्ट का और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम स्वादानुसार नमक को डालेंगे, और ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप इसे बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बना है, और ये बहुत ही टेस्टी अचार लगता है। आप दाल चावल या किसी के, और ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। फिर ये हमारा अचार बन चुका है, फिर उसके बाद हम इसे एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकाल करके हम फ्रिज में मतलब डाल देंगे। आप इसे मतलब ये ख़राब नहीं होगा, आप फ्रिज में डाल देंगे तो ये मतलब चलेगा 2-3-4 दिन तक तो चल जाएगा आराम से, अगर आप फ्रिज में डाल देंगे तो। और फिर आप देख सकते हैं, हमारा सेम का अचार बन करके तैयार है।